श्री नरेश बंसल। माननीय धन्यवाद सभापति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दास्ता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। पीएम श्री मोदी जी ने अपने भाषण में आज़ादी के अमृत काल के लिए अपने बताए 5 प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है, भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाण प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आज़ादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आज़ादी दी जाए। धन्यवाद।